नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की वो काफी खास है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएनआरडी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर पीएनआरडी यानी कि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने वेरियस आईटी ऑफिसर के पद पर वैकेंसी की घोषणा कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आए। साथ ही दोस्तों आज का क्विज क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है पीएनआरडी यानी कि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट असम। एम्प्लॉयमेंट टाइप है असम गवर्नमेंट जॉब। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है। जॉब लोकेशन रहेगा गुवाहाटी असम। और यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर टोटल दो पोस्ट हैं। यहाँ पर स्टेट आईटी ऑफिसर के पोस्ट हैं, वहीं डिस्ट्रिक्ट आईटी ऑफिसर के भी पद हैं। एज लिमिट क्या मांगी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम 35 ईयर्स। पे स्केल क्या मिलता है? तो यहाँ पर पे स्केल मिलता है स्टेट आईटी ऑफिसर के लिए 35,000 रुपीज़, वहीं डिस्ट्रिक्ट आईटी ऑफिसर के लिए मिलता है 15,000 रुपीज़, जो कि दोनों ही पे स्केल काफ़ी अच्छे हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू पर। और अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। साथ ही दोस्तों फर्स्ट पोस्ट यानी कि स्टेट आईटी ऑफिसर के लिए 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिस्ट्रिक्ट आईटी ऑफिसर यानी कि सेकंड पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली इस पेज पर आना है जो कि देख रहे हो आप अपने डिवाइस के स्क्रीन पे। इस पेज का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ जाएं, सारे डिटेल्स को पढ़कर फॉर्म फिलअप कर लें। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई है 5 जून 2018, वहीं लास्ट डेट टू अप्लाई है 25 जून 2018। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दो लिंक शो कर रहा है। पहला लिंक है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। आपको इससे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आप सेकंड लिंक का यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक का यूज़ करके अप्लाई करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अब हम मिलते हैं एक नए सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।